डियर स्टूडेंट, तो अब हम आपको बताएंगे कि चिट एग्ज़ाम में जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, तो मैं डेली 25 क्वेश्चंस आपको दूंगा और उसका आंसर भी उसमें लिखा होगा, तो आप उसको नोट्स बनाते चलिएगा। और बाकी जो भी नोट्स वगैरह होंगे, तो जब मेरे सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे तो मैं उसकी PDF जो है बना के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इसमें सारे सब्जेक्ट के मिक्सअप क्वेश्चन मिलेंगे, ये सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज अगर आप पढ़ना स्टार्ट की तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इसमें आपको केमिस्ट्री भी मिलेंगे, इकोलॉजी भी मिलेंगे, HAP भी मिलेंगे, ज़ूटिक्स भी मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्सियल वन इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एक्सियल बोन्स जो कि एडल्ट ह्यूमन बॉडी में होती हैं वो कितनी होती हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 80 बोन्स होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, इंडियन सिन्ना ऑप्टेंड फ्रॉम द प्लांट, जो इंडियन सिन्ना होता है वो ऑप्टेंड किया जाता है किससे, कौन से प्लांट से उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, कौन से प्लांट से, कैसिया एग्नोटिफोलिया। ठीक है, कैसिया एग्नो एस्टोफोलिया नाम का जो प्लांट होता है उससे क्या करते हैं, सिन्ना को ऑप्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। व्हाट द डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एक्स, जो डिस्क्रिप्टिव नेम है क्लॉटिंग फैक्टर एक्स का वो कौन सा है। तो पहला इसमें ऑप्शन दिया है फिब्रोनोजन, दूसरा है लेवाइल फैक्टर, तीसरा है प्रोथोरम्बिन फैक्टर और चौथा है आपका स्टॉर्ट पावर फैक्टर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट है, स्टॉर्ट पावर फैक्टर जो होता है वो क्लॉटिंग फैक्टर एक्स का डिस्क्रिप्टिव नेम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इन एस्ट्रॉयल प्रिपरेशन, ठीक है, इसमें आपको चार पांच प्रिपरेशन दे दी गई हैं और इसमें से जो एस्ट्रॉयल आपकी प्रिपरेशन होती है उसके बारे में आपको बताना है कि कौन सा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए दिया है नेजल ड्रॉप, बी दिया है इफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, सी दिया है ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशन, डी दिया है ऑप्टिक प्रिपरेशन। आपको सारे नाम से पता चल रहा होगा कि कौन कौन सी किस चीज़ की प्रिपरेशन होती है। तो जो एस्ट्रॉयल प्रिपरेशन है इसमें तो वो होती है आपकी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसमें ऑप्थैल्मिक प्रिपरेशंस जो होती हैं वो एस्ट्रॉयल प्रिपरेशंस होती हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग ड्रग फार्मुलेशन इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, कौन कौन सी वो ड्रग्स होती हैं जिनके लिए जो आप फार्मुलेशन जो बनाते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट रहती है एक रेफ्रिजरेटर की, एक फ्रीजर की, ताकि टेम्परेचर मेंटेन करके आप रख सकें। तो इसमें ऑप्शन दिया है इमल्सन, दूसरा दिया है सस्पेंशन, तीसरा दिया है वैक्सीन्स, चौथा दिया है नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि कोई भी वैक्सीन होती है, चाहे वो एंटी रेबीज हो, चाहे इंसुलिन आपकी होती है, वो सारी क्या होती हैं, वो एक रेफ्रिजरेटर में एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे स्टोर की जाती हैं ताकि उसमें कोई भी चेंजेस ना आए, कोई भी खराबी ना आए और वो स्टेबल रहें। तो इसमें जो रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है वैक्सीन्स के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, वैक्सीन्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एमंग द फॉलोइंग इज लिक्विड एल्कलॉइड्स, ठीक है, इसमें आपको बताना है लिक्विड एल्कलॉइड्स के बारे में कि कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया है निकोटीन, दूसरा ऑप्शन दिया है एस्ट्राइसिनिन, तीसरा ऑप्शन है क्यूनिन, चौथा ऑप्शन है कोल्चिसिन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जो लिक्विड एल्कलॉइड्स है, निकोटीन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शेड्यूल ऑर ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स डील विथ,
ठीक है, तो इसमें जो शेड्यूल आर है उसकी ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्स डील करता है किसके साथ, तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है डिसइंफेक्टेंट, दूसरा ऑप्शन है एंटीसेप्टिक्स, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव, चौथा ऑप्शन है डाई कलर्स एंड पिगमेंट्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो होती हैं वो होती हैं शेड्यूल आर ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्स डील विथ किसके अंदर, मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टराइल कंडीशन बाय स्टीम स्टरलाइजेशन ऑफ इंजेक्शन एज पर आईपी, आईपी मीन्स होता है इंडियन फार्माकोपिया। स्टरलाइजेशन किया जाता है किसी भी चीज़ की जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए, उसके माइक्रोब्स को किल करने के लिए किया जाता है बाय द स्टीम स्टरलाइजेशन। ठीक है, स्टीम एक दिया जाता है वाटर को हीट करके, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर आपको बताना है कितने कंडीशन पे होगा। तो इसमें चार ऑप्शंस दिए हैं, तो इसमें चार ऑप्शंस में से आपको ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 121 डिग्री सेंटीग्रेड एज एट 15 पिच फॉर 30 मिनट्स। 121 डिग्री टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है 15 पिच पर फॉर किसके लिए, 30 मिनट्स के लिए आपको करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टेबल स्पून इज इक्विवेलेंट टू, इसमें बताना है 1 टेबल स्पून होता है वो इक्विवेलेंट होता है कितने ml के। तो ऑप्शन दिया है 10 ml, दूसरा ऑप्शन है 15 ml, तीसरा ऑप्शन है 20 ml, चौथा ऑप्शन है 5 ml। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 15 ml इक्विवेलेंट होता है 1 टेबल स्पून के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एट्रोजेनिक डिजीज मीन्स, जो एट्रोजेनिक डिजीज होती हैं उसका क्या मतलब होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज, दूसरा ऑप्शन है सिस्टमिक इन्फेक्शन, चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज, चौथा ऑप्शन है कॉन्टाजियस डिजीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फिजिशियन इंड्यूस्ड डिजीज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्लोव ऑयल। ठीक है, मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, क्लोव ऑयल के अंदर। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपका डी नंबर ऑप्शन सही है, यूजिनॉल। ठीक है, यूजिनॉल आपका करेक्ट आंसर है। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटाली मोरिन टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई, जो विटाली मोरिन टेस्ट होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ट्रोपेन एल्कोलाइड्स जो होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए विटाली मोरिन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिनोनिम्स ऑफ क्लोरीनेटेड लाइम, जो सिनोनिम्स होता है क्लोरीनेटेड लाइम का वो कौन सा होता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, सोडियम हाइपो क्लोराइड, बी ऑप्शन दिया है कैल्शियम क्लोराइड, सी ऑप्शन दिया है क्लोरहेक्सिनॉल, चौथा ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर इज ऑप्टेंड फ्रॉम द, जो अगर होता है वो ऑप्टेंड किया जाता है कहाँ से। तो पहला ऑप्शन है इसमें ग्रीन एलेग, दूसरा ऑप्शन है ब्लू एलेग, तीसरा ऑप्शन है रेड एल्क, चौथा ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एलेग। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड एलेग, इससे आपका ऑप्टेंड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेट आर कार्ड, जो लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेट होता है उसको क्या बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए एस्ट्रिंजेंट, आपको पता है जो कि आपकी स्किन पे जैसे कटवट जाते हैं तो आपका ब्लड नहीं रुकता है, तो उसमें क्या करते हैं जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं यूज किया जाता है, जब यूज़ करते हैं तो जो ब्लड होता है ब्लड को प्रेसिपिटेट कर देता है, ब्लड प्रोटीन को, जिसकी वजह से ब्लड रुक जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस्ट्रिंजेंट जो कि लोकली अप्लाई किए जाते हैं प्रोटीन प्रेसिपिटेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिकली पैरालिडिहाइड इज, ठीक है, इसमें बताना है जो केमिकली पैराडाइज है वो क्या है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है और डी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है 2.4.6 ट्राइमिथाइल 1.3.5
ट्राइऑक्सेन जो है आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोफिब्रेट इज यूज्ड एज, जो क्लोफिब्रेट होता है वो किसकी तरह यूज किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन है लिपिड लोवरिंग एजेंट, बी है एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स, तीसरा है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, चौथा ऑप्शन है एंटी एंजाइनल ड्रग। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लिपिड लोवरिंग एजेंट होता है क्लोफिब्रेट जो होता है वो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बायोटिन एक्ट एज कोएंजाइम इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन आपका दिया गया है? पहला है कार्बोएक्सिलेशन एसिटाइलेशन, तीसरा ऑप्शन है डिहाइड्रोजिनेशन, चौथा ऑप्शन है ट्रांसमिनेशन। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बोक्सीलेशन जो होता है वो बायोटिन एक्ट एज कोएंजाइम का टाइप होता है, टाइप ऑफ रिएक्शंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। डाइफेनहाइड्रामाइन इज डेरिवेटिव्स ऑफ, तो जो डाइफेनहाइड्रामाइन है उसका डेरिवेटिव्स क्या होता है? तो पहला ऑप्शन है इथाइलीन डायमीन, दूसरा ऑप्शन है फिनोथायोजेंस, तीसरा ऑप्शन है एमिनो एल्कोल ईथर्स, चौथा ऑप्शन है एल्किल एमीन्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, एमिनो एल्किल ईथर्स जो होते हैं वो डाइफेनहाइड्रामाइन्स के डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन इंडोमिथासिन, जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है वो प्रेजेंट होती है किसमें? इंडोमिथासिन में। तो उसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो सही है, इंडोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SSRI यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ परमेच्योर इजाकुलेशन, ठीक है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए सही है, डैप्सोक्टीन जो होता है, डैप्सोक्टाइन जो होता है वो SSRI में यूजफुल होता है, किसके SSRI ट्रीटमेंट में यूजफुल होता है? ठीक है, जो प्रमेच्योर इनाकुलेशंस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्लिनिकल ट्रायल कंपैरिजन ऑफ इफिकेसी ऑफ अ न्यू ड्रग विच एन एग्जिस्टिंग ड्रग इज डन इन, ठीक है, तो कौन सी फेज में डन होगी? तो पहला ऑप्शन है फेज वन, दूसरा ऑप्शन फेज टू, तीसरा ऑप्शन फेज थ्री, चौथा ऑप्शन फेज फोर। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फेज थ्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स एक्सेप्ट, ठीक है, इसमें से जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एनालॉग्स वो कौन से नहीं है? तो पहला ऑप्शन है आपका इंसुलिन लिस्प्रो, दूसरा ऑप्शन है इंसुलिन एस्पार्ट, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन गैलग्रीन, चौथा ऑप्शन है इंसुलिन ग्लूलिसाइन। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, इंसुलिन ग्लारगाइन जो होता है वो एक्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इटारवराइन इज, ठीक है, तो इसमें बताना इटारवराइन क्या है? तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो इटारवराइन है तो क्या है? नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन यूज्ड फॉर मैमालियन स्मूथ मसल एक्सपेरिमेंट्स, जो फिजियोलॉजिकल साल्ट सॉल्यूशन होता है वो यूज किया जाता है किसके लिए? मैमालियन स्मूथ मसल एक्सपेरिमेंट्स। तो कौन सा होता है सॉल्यूशन? तो पहला ऑप्शन है इसमें थायराइड सॉल्यूशन, दूसरा है फ्रॉग रिंगर सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है डी जेलॉन सॉल्यूशन, चौथा ऑप्शन है एमसी इवन सॉल्यूशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, थायराइड सॉल्यूशन। ठीक है,
तो इसके बाद के जो मैं क्वेश्चन डेली मैं आपको 25 क्वेश्चन ही सॉल्व कराऊंगा, और ये क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू गाइस।